चलो बेटा देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपकी क्लास में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेडिंग पड़ी हुई है, इसे शॉर्ट में हम लोग ईपीआर कहते हैं। तो सबसे पहली बार आप ये देखिए, इसकी अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सबसे पहले देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले खोजा इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई बालों में लगाने वाली मेहंदी। ये देखिए लगाते हैं आप लोग गार्नियर, आप इसे याद कर सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम गार्नियर है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले गार्नियर ने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा, और इस गार्नियर ने सबसे पहले इसका नाम एर्गेस्टोप्लाज्म रखा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मुस्कुराते रहना है, जीवन मुस्कुराने का दूसरा नाम है। जब तक आप मुस्कुराएंगे आपकी चेहरे की खुशी ही सब कुछ है इस जिंदगी के लिए, इस जहां के लिए, इस प्लेनेट के लिए, इस एनकेटी के लिए। आइए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले गार्नियर ने इसे 1897 में खोजा, इसे एर्गेस्टोप्लाज्म ने कहा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए एक वैज्ञानिक है पोर्टर, ये पोर्टर जो है ये है 1945 पोर्टर फर्स्ट कॉल्ड इट ये देखिए इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले पोर्टर ने इसे सबसे पहले इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि आखिर इसका नाम इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है। तो अब आप इसी कहानी सुने, हम इसी कहानी सुनाते हैं कि इसे क्यों रखते हैं। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये, मैं ये कह रहा हूं कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये कहना चाहता हूं। कहानी सुनिए, कहानी ये है कि ये देखिए ये सेल है जिससे आप बने हुए हैं। बोलिए हाँ, हम इससे बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, हम भी बने हैं तो आप भी बने हुए हैं। ये पूरी जहान बना हुआ है, धरती बनी हुई है, आसमान बना हुआ है। देखिए तो इस सेल के अंदर अगर हमने न्यूक्लियस बना दिया, अगर हमने घर में न्यूक्लियस माँ बाप को रख लिया, तो हम कौन सी सेल हैं? बोलो हम यूकैरियोटिक सेल हैं। मतलब ये यूकैरियोटिक सेल है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने न्यूक्लियस बना दिया तो सेल कौन सी है? कॉमन सेंस की बात है कि सेल यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि न्यूक्लियस बना दिया। जब न्यूक्लियस बना दिया तो इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस बना दिया, और ये इसमें प्रेम का धागा डाल दिया जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसी प्रेम के धागे को क्रोमेटिन कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब अगर हमको इसे खींच के लिखना तो फट से लिख दें सर ये तो न्यूक्लियस है। ये देखिए न्यूक्लियस है। अब आपको ये बात समझनी है, ये बात पॉइंट आउट करनी है कि न्यूक्लियस और ये कौन सी मेम्ब्रेन है। अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये कौन सा एरिया? आप कहेंगे साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो किनारे किनारे है उसे इक्टोप्लाज्म कहते हैं। आप समझना शुरू करिए, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो किनारे किनारे है उसे इक्टोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो इसके अंदर की तरफ है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, बहुत बेसिक साइंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। यहां क्या लिखा देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब वो पहली बात तो आप समझिए कि रेटिकुलम माने क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे रेटिकुलम माने क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसका मतलब बताइए, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है या नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे जैसे नेट होता है ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको रेटिकुलम कहते हैं। तो आखिर इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों पड़ा होगा, हम ये आपको सिखाना चाहते हैं। तो आपको पहली बात याद रखना है कि साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो किनारे की तरफ है उसे हम इक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो अंदर की तरफ है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर ये देखिए राइबोसोम पड़े होते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है उस पर राइबोसोम पड़े होते हैं। अब आप पूछे कि कौन से राइबोसोम है, कहाँ के राइबोसोम है, क्या नाम है इनका, तो भैया ये जो राइबोसोम है ये एटीएस राइबोसोम है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप यही कह लिख लीजिए कि ये एटीएस राइबोसोम है।
एक्टीएस राइबोसोम पढ़ा ही होगा, लेकिन जनरली एक्टीएस में भी दो यूनिट होती है, अभी आप उसका डिटेल पढ़ाते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो एक्टीएस में दो यूनिट होती है, एक 60S होती है और एक 40S होती है। तो जनरल कंडीशन में ये दोनों यूनिट जुड़ी नहीं रहती है, जनरली राइबोसोम की ये यूनिट इससे चिपकी रहती है, ये यूनिट सेपरेट रहती है। तो अगर आपसे पूछे कि सेल डिवीजन मतलब सेल प्रोटीन नहीं बना रही है, उस केस में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कौन सा राइबोसोम जुड़ा है, तो आप 80S, 40S, 60S में आप 40S का जवाब देंगे, क्योंकि जिस समय सेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगी तब ये दोनों यूनिट जुड़ेगी, जब ये जुड़ेगी तभी तो ये बनेगा, जनरली 60S जुड़ी रहती है, इसका ध्यान रखना है आपको। इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये देखिए ऐसे फोल्डिंग शुरू हो जाती है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये फोल्डिंग शुरू हो जाती है, और ये फोल्डिंग्स कहां पर है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए परेशान हैं, बस आप कुर्बान रहिए, नादान रहिए, और ध्यान से देखिए इस बायोलॉजी की मोहब्बत को, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। जब ये ब्रांचिंग शुरू हो जाती है तो थोड़ा सा आप ब्रांचिंग देखिए कहां तक जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरी पहुंच गई, अब ऐसे पूरी ब्रांचिंग फैल गई। तो आपने कहा सर और कोई बात, हमने कहा जी हाँ, इसकी जो शुरुआती ब्रांचिंग है, जब ये शुरुआत में ब्रांचिंग करता है तो इसकी भी सरफेस पे आपको राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं, जब आपको इसकी सरफेस पे राइबोसोम दिखाई पड़ते हैं तो आप इसी का नाम कहते हैं, इसी का नाम आप कहते हैं सर देखिए, शायद इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस पे भी राइबोसोम है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम है, और राइबोसोम दानेदार स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहां राइबोसोम नहीं है उसे हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब राइबोसोम नहीं होगा सरफेस स्मूथ होगी, राइबोसोम होगा तो सरफेस रफ होगी। तो आपको यह बात समझनी है कि जो मतलब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो टाइप हैं। जिसके ऊपर राइबोसोम है उसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है उसका नाम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हम आपको तो पढ़ाना चाह रहे थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए इंडोप्लाज्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनसाइड साइटोप्लाज्म है, ये बात ध्यान रखें आप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं कि ये इनसाइड साइटोप्लाज्म है। और रेटिकुलम क्यों कहते हैं ये बात सीखिए, पोर्टर की जो वाइफ थी, जो पोर्टर थे इनकी जो वाइफ थी, कहां गए पोर्टर साहब, ये पोर्टर जो थी इनकी जो वाइफ थी, ये इनकी जो पत्नी थी, मतलब मैं यहां पत्नी लिख देता हूं, ये शॉपिंग बहुत करती थी, बहुत सब शॉपिंग समझ रहे ना, वो खरीदारी बहुत करती थी, तो इन्होंने एक पर्स खरीदा था, इनकी एक पर्स थी, और वो पर्स जो थी वो रेटिक्यूल कंपनी की थी, किस कंपनी की थी, रेटिक्यूल कंपनी की थी, और उस पर्स पे ऐसे ही लोगो बना था, समझे इस बात को, कि ये पोर्टर जो है इनकी पत्नी ने पर्स खरीदा था, उस पर्स जो है वो रेटिक्यूल कंपनी की थी, और उस पर्स के ऊपर कुछ ऐसा ही साइन बना था, इसलिए इसका नाम इन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। तो इसका रियल मीनिंग क्या हुई कि एक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है और जिसमें नेट जैसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसलिए शायद इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर ने कहा होगा। तब आपको मैंने सिखाया क्या क्या कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेलर मेल है। अगर आप इसकी ओरिजिन देख लें, सिंपल सा देखें, दिल को धड़कना है, दिल को धड़कने दो, परेशान मत हो, परेशान करते रहो। तो अगर आप इसकी ओरिजिन देखें तो ये देखिए ओरिजिन क्या है, यहां पर देखिए मैंने लिखा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर क्या बेटा मेम्ब्रेन, ये देखिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आपको वहां साफ साफ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो है। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब आप राइबोसोम हटा देंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर राइबोसोम हटा देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, यह है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिन, जिसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, तो हमने आपको पहले डिस्कवरी बताई क्यों कहते हैं ये बताया, अब मैं आपको बता रहे हैं ओरिजिन। इसके बाद आप यहाँ पर फोकस करें अकरेंस क्या है, कहां पर पाई जाती है सेल में, ये देखना है अकरेंस। देखिए
अगर आप अक्रेंस मतलब शेल में कहां पर पाई जाती है, किस सेल में कहां पाई जाती है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिर से हमने लिखा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, बार बार लिख रहा हूं किसके, ये सिंगल मेम्ब्रेन की बनी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये देखिए पहले मैंने ये बात लिख दी, तब तक लिखूंगा जब तक ये चलती रहेगी। ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, एक कपड़ा इसने पहन रखा है। तो जब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है तो लिखिए यहां पर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये कहने का मतलब है मेरे। फिर इसकी दूसरा देखिए, प्रेजेंट इन, अगर आप इसकी दूसरी मीनिंग देखें, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वो सेल जिसमें न्यूक्लियस है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, जिस सेल में न्यूक्लियस है, ये सेल है इसमें न्यूक्लियस है उसमें ये पाई जाएगी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ सेल्स हैं जिसमें नहीं पाई जाती है, किस किस सेल में, ये देखिए एक्सेप्ट, मैंने ये बात लिखी, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, ध्यान रखिए मैंने यहां आरबीसी लिखी है। तो अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट समझ ले कि ये आरबीसी है, अगर इसमें न्यूक्लियस है और इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, तो ये आरबीसी डेवलपिंग आरबीसी है, डेवलपिंग आरबीसी मतलब ये आरबीसी बन रही है। लेकिन अगर ये आरबीसी बन के तैयार हो गई तो इस आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, इसमें केवल और केवल हीमोग्लोबिन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन भरा रहता है तो इसे मैच्योर आरबीसी कहते हैं, ये केवल मैमल्स की बात हो रही है। अगर इसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, शायद इसमें जो है जगह कम पड़ जाती, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन की पैकेजिंग ना हो पाती। तो आपको ध्यान रखना है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जो जो है प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में है, और यूकैरियोटिक सेल में मैच्योर आरबीसी में नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप एक बात याद यहां से याद कर लें, मैं फिर से आपको कंफर्म करा देता हूं, क्योंकि बार बार डिस्कशन होगा। तो आप ये देख लीजिए कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हैं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रहे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो कौन कौन से नाम है एक बार देख लीजिए। पहला नाम है जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरा नाम है जिसे गॉल्गी बॉडी कहते हैं, ये देखिए गॉल्गी बॉडी कहते हैं, तीसरा नाम है जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और चौथा नाम है जिसे हम लोग माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये चार ऐसे स्ट्रक्चर हैं यूकैरियोटिक सेल में जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, याद रखिए इसको, आपको काम देगा, जिंदगी भर काम देगा, मरने के बाद भी काम देगा, स्वर्ग में जाने के बाद काम देगा, लौटे भी काम देगा, अगले 7 जन्म तक काम देगा, ये मेरा वादा है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरा नाम और है, इसे हम लोग सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली पड़ी हुई है। शायद ये देखिए ध्यान से देखिए, ये एनएम से लेकर पीएम तक फैले हैं। तो यहाँ एनएम का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनएम से लेकर पीएम तक फैली हुई है, इसलिए इसको हम लोग सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये देखिए ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। आपको ये देखना है कि इस स्ट्रक्चर में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टर्नी। तो अगर आप सिस्टर्नी के बारे में देखें तो ये सिस्टर्नी ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये सिस्टर्नी ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है इस तरह से, और इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के ये बीच का जो एरिया है इसे ल्यूमेन कहते हैं, ये समझे आप। तो ये अगर आप सिस्टर्नी के बारे में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखिए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये लिख दीजिए कि ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। फट से आपने लिखा कि सर ये जो सिस्टर्नी है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, लिख दिया मैंने, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है जो इसको बना रहा है। दूसरी बात ये लिखिए कि ये जो सिस्टर्नी है ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है मतलब इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है,
दूसरा कमेंट आपने लिख लिया कि सर अनब्रांच्ड है। तीसरी बात ये लिखिए किसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है लिख दीजिए। तो राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो हम इसकी बात कर लें कि कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसमें जनरली 80S राइबोसोम प्रेजेंट है। हम आपको राइबोसोम यहां बना के दिखाते हैं। ये देखिए इसकी सरफेस है, इस सरफेस पे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो सरफेस होगा आपसे मैं पूछूं कैसा होगा। आप कहेंगे सर इसका सरफेस जो है स्मूथ सरफेस और सर रफ सरफेस होना चाहिए। तो इसकी सरफेस पे ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पे ये जो राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, इन राइबोसोम्स के कारण ये जो है रफ सरफेस है। ये देखिए इसकी सरफेस ही रफ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइबोसोम के कारण ये क्या बनाएंगे, तो मैं पहले लिख देता हूं कि 80S में दो तरह के राइबोसोम होते हैं। अगर आपको याद हो 60S होता है और 40S होता है। तो जनरली इसकी सरफेस पे 60S रहता है। तो फिर आखिर 80 कब बनता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब ये वाली यूनिट जुड़ती है, तब 80S बनता है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका ढेर सारे प्रश्न आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी सरफेस कैसी है, तो आप कहेंगे सर देखिए लिखिए ना इसकी सरफेस रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। अच्छा आपसे मैं अगर पूछूं कि ये बताइए इस पे जो राइबोसोम लगा हुआ है वो गिर नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे सर गिर तो जाएगा ही। अरे भाई ओके चपकल रहा जरूरी है, ओकर जरूरी कैसे है? चपकल रहा मतलब चिपकना जरूरी है। तो चिपकने के लिए हम क्या करें, बूंद लगा दें। तो इसके सरफेस पे एक प्रोटीन पाई जाती है जिस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करती है ये? हेल्प इन अधेशन ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम है उनको चिपकाने में काम देती है। ये देखिए हेल्प इन अधेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो अब एक लास्ट कमेंट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट कमेंट है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। देखिए मैंने क्या लिखा यहां पर, देखिए यहां लिख रहा हूं इट मेनली फॉर्म्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं, क्यों बनाएगा? क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही किसकी सिंथेसिस करते हैं? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो जिस सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होती होगी उसी सेल में ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये वाला, ये पहला स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिए कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है, राइबोसोम प्रेजेंट है, रफ सरफेस है इसकी सरफेस पे, राइबोफोरिन फर्स्ट और सेकंड इस पे राइबोसोम चिपकाने का काम करते हैं। राइबोसोम का ध्यान रखना है कि जनरली 80S राइबोसोम है, लेकिन 80S जो है उसमें 60-40 दो यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, जनरली इसमें 60 जुड़ी रहती है, 40 नहीं जुड़ी रहती है। और ये देखिए ये मेनली उस सेल में पाई जाती है जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, उस सेल्स पे पाया जाता है। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखें, अगर आप इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें जो इन्वॉल्व है वो वेसिकल्स है। ये देखिए ये दूसरा स्ट्रक्चर है वेसिकल्स। अगर आप इसे देखिए वेसिकल्स देखिए तो ये इसे राउंडेड स्ट्रक्चर है, इस तरह के ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। फट से कमेंट लिखिए कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, लिख दीजिए कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर है। यहां देखिए लिख दिया आप, राउंडेड स्ट्रक्चर है। दूसरी बात लिखिए अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है उसमें, अनब्रांच्ड है। एक डाउट है यहां पर, मैं लिख देता हूं किसकी सरफेस स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। किसी किसी किताब बुक में लिखे गए हैं कि ये जो है रफ होती है, मतलब इसमें राइबोसोम होती है, लेकिन राइबोसोम होती नहीं, एक्चुअली इसमें जो है राइबोसोम नहीं होती है, इसलिए इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ सरफेस होती है। तो ये क्या बनाएगी, इट मेनली फॉर्म्स क्या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो सेल्स बनाएंगी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। एक तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये देखिए ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूल्स के बारे में आप देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखिए ट्यूब्यूल्स के बारे में लिखिए ये ब्रांच्ड होते हैं लिखिए ब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ सरफेस है, लिखिए कि सर इनकी सरफेस स्मूथ सरफेस है। फिर कमेंट लिखिए, फट से कमेंट लिखिए स्मूथ सरफेस है। फिर लिखिए इनमें राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं,
लिखते जाइए, राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। जब राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए इस पे। तो आप फट से लिखिए तीसरा कमेंट, दे मेनली फॉर्म्स, दे मेनली फॉर्म्स क्या बेटा, दे मेनली फॉर्म्स क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन क्या है, स्टेराइडोजेनेसिस का फंक्शन है। स्टेराइडोजेनेसिस माने क्या हुआ, स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन, स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको तीन चीजें दिखाई पड़ती हैं, सिस्टर्नी दिखाई पड़ती है, वेसिकल्स दिखाई पड़ती हैं, ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसका भाई, देखो तो डिफरेंस देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अगर आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो इसके बारे में लिखिए लोकेटेड नियर सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, ये बात समझनी है। अगर आप इसको लिखते हैं तो लिखिए लोकेटेड नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। दूसरा लिखिए, अगर रफ की आप ओरिजिन लिखते हैं तो रफ की ओरिजिन जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को से रफ की फॉर्मेशन होती है। अगर आप यहां लिखे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है, कौन हटाया जाता है, राइबोसोम्स। अगला डिफरेंस देखिए बेटा, तो अगला अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो इसमें जो राइबोसोम्स हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स हैं ये प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है, 80S वाले, इसका पूरा ध्यान रखना है। इसमें राइबोसोम्स क्या है, अब्सेंट लिख दीजिए। अब राइबोसोम अब्सेंट होने के कारण इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी सरफेस स्मूथ क्यों है तो आप यही कहेंगे सर इसमें राइबोसोम अब्सेंट है, इसकी सरफेस स्मूथ सरफेस है। लेकिन इसकी सरफेस कैसी है, इसकी सरफेस रफ सरफेस है, शायद इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये देखिए और भी डिफरेंसेस हैं, चिंता ना करें, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप लेते देखते जाएं बस। ये देखिए रफ को अगर देखा जाए तो इसमें ये प्रोटीन पड़ी है, कौन सी प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, राइबोफोरिन प्रोटीन पड़ी है। ये राइबोफोरिन प्रोटीन क्या करती है, ये राइबोसोम को चिपकाने का काम करती है। राइबोफोरिन प्रेजेंट, राइबोफोरिन प्रोटीन इस पे प्रेजेंट है, लेकिन इसमें राइबोफोरिन प्रेजेंट प्रोटीन क्या है, अब्सेंट है, क्योंकि जब राइबोसोम है ही नहीं तो चिपकाएंगे किसको, ये ध्यान रखना है आपको। और डिफरेंस देखिए आप, ये देखिए कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिस्टर्नी की बनी हुई है, ये देखिए कंपोज ऑफ सिस्टर्नी। लेकिन अगर मैं इनसे पूछूं ये किसकी बनी है तो आप कहेंगे सर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड क्या बेटा, वेसिकल्स, ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की बनी है। ये अगला डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस देखिए, अगर आप ये देखिए दोनों के डिफरेंस और देखें, रफ से स्मूथ की ओरिजिन हो गई, तो अब आपको अगला जो डिफरेंस देखना है, ये सिस्टर्नी बनी है, ये जो है ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की बनी है। इसके सिवा ये देखिए ये मोर स्टेबल है, मतलब ये स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है, ये मोर स्टेबल है, इसके कंपेरिजन में ये लेस स्टेबल है। ये देखिए अगर आप इसके फंक्शन का डिफरेंस देखें तो एनसीईआरटी ने इसके दो फंक्शन लिखे हैं। पहला फंक्शन लिखा है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है एंड सिक्रीशन करती है। ये देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, मैं इसे घेर दे रहा हूं क्योंकि इसको एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। यहां पर देखिए ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाती है, स्टेरॉयड सिंथेसिस करती है, ऐसे नोट कर ले आप, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। इसके सिवा हमें क्या क्या लिखना है, ये लिपिड की सिंथेसिस करती है, ऐसी सेल्स पे पाई जाती है जो लिपिड का हार्मोन बनाती है या कोई लिपिड का प्रोडक्ट बनाती है, और ये ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करती है, मतलब ये सारे काम है जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ये तीन फंक्शन, और ये जो फंक्शन है जिसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अगर आप लोकेशन देख लें, बस एक दो नाम आप लिख लीजिए आपको याद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, ये आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है। इसे देख लीजिए, ये टेस्टिस में पाई जाती है,
और कहाँ पाई जाती है बेटा, ओवरी में पाई जाती है। ये इसकी लोकेशंस है, आपको ये पूरे डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर कट आने चाहिए। हम लोग पहले रफ और स्मूथ का जो है कॉमन फंक्शन देखेंगे, फिर दोनों को अलग अलग फंक्शन देखेंगे। आइए शुरू करते हैं कॉमन फंक्शन में। सबसे पहला जो फंक्शन है दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सबसे पहला है लोकलाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये कोई खास फंक्शन नहीं है, बस आपको समझना है लोकलाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ये पहला दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, लोकलाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सोचिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ है, जिसके आसपास इधर माइटोकांड्रिया, इधर गॉल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, ये सारे हैं, मतलब कुल मिला के सेल ऑर्गेनेल्स को लोकेशन देने का काम करता है। दूसरा देखिए, बेसिक फंक्शन है जिनका इस्तेमाल दोबारा नहीं करना है। ये देखिए सरफेस एरिया, अगर आप देखिए दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सरफेस एरिया जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फोल्डेड है, फोल्डिंग्स है, इसमें फोल्डेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोल्डिंग्स है, फोल्डेड है, इससे जो सरफेस एरिया है एंजाइम्स के लिए, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स के लिए वो बढ़ जाता है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स के लिए, या आप कह सकते हैं मेटाबोलिज्म के लिए। फोल्डेड होने के कारण जो मेटाबोलिज्म का रेट है सेल में, जो काम करने का रेट है, मेटाबॉलिज्म का रेट है सेल के अंदर, ये लगभग 200 से 300 गुना बढ़ जाता है इस फोल्डिंग के कारण। ये दोनों के कॉमन फंक्शन है। तीसरा फंक्शन देखिए सिक्रीशन का फंक्शन है। अगर आप सिक्रीशन देखें तो सिक्रीशन में क्या रूट है, अगर आप देखें तो सिक्रीशन क्या होता है, रफ से प्रोटीन बनती है, तो रफ से कहां जाती है स्मूथ में, स्मूथ से कहां जाती है गॉल्गी बॉडी में, और ये गॉल्गी बॉडी उसे सेल के आउटसाइड बाहर भेज देती है। ये हो गया इसका सिक्रीशन का रूट। एक और फंक्शन देखिए डेस्मोटिब्यूल्स का फंक्शन देखिए। डेस्मोटिब्यूल्स, ये मैंने आपको प्लांट के सेल वॉल में पढ़ाया था कि डेस्मोटिब्यूल्स क्या है। ये देखिए एक प्लांट सेल ये है, दूसरी प्लांट सेल ये है, और इन दोनों प्लांट सेल में जो कनेक्शन है इसके थ्रू गॉल्गी बॉडी के जो मटेरियल्स हैं, टिब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टिब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करते हैं, इसके थ्रू ये जो सेल है इसके थ्रू एक सेल के मटेरियल को दूसरे सेल में भेजने का काम करते हैं। तो डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिब्यूल्स हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को भेजने का काम करती हैं। ये दोनों के बेसिक फंक्शन है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को लोकेशन देना, सरफेस एरिया बनाना, सिक्रीशन करना, डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन करना। एक बात और देखिए सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करना, ये भी आप देख ले सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करना। सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए रफ से किसका फॉर्मेशन होता है, स्मूथ का होता है, स्मूथ से किसका फॉर्मेशन होता है, गॉल्गी बॉडी का होता है, गॉल्गी बॉडी से किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से देखें तो दोनों के कॉमन फंक्शन है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, ये दोनों के कॉमन फंक्शन है। अब आइए हम इनके डिफरेंट अलग अलग फंक्शन देखते हैं, सेपरेट फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, आरईआर का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर फंक्शन देखें तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लिख लीजिए कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए करता है क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम पड़े हुए हैं। तो कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये प्रो एंजाइम्स की सिंथेसिस करता है। प्रो एंजाइम्स किसे कहते हैं, वो एंजाइम्स जो इनएक्टिव हैं उनका फॉर्मेशन करता है, इनएक्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, इनएक्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। जितने भी आप सेल में इनएक्टिव एंजाइम्स पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पेप्सिनोजन पढ़ा होगा, बोलिए हाँ सर पढ़ा है, पेप्सिनोजन पढ़ा होगा, आपने ट्रिप्सिनोजन पढ़ा होगा, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। ये देखिए आपने प्रो इंसुलिन पढ़ा होगा जिससे बाद में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो फॉर्मेशन है इन सारी चीजों का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये पहली बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन। दूसरा देखिए, अगर आप देखिए हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, अगर आप हार्मोन्स की सिंथेसिस के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो भैया जितने भी प्रोटीनियस हार्मोन है सबका फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है।
प्रोटीनियस हार्मोन्स हैं उनका फॉर्मेशन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एग्जांपल लिख लीजिए, देखिए ग्रोथ हार्मोन आपने पढ़ा होगा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है प्रोटीन का हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है प्रोटीन का हार्मोन है। और नाम देख लें आप, और नाम देख लें आप, इंसुलिन जो है ये भी प्रोटीन का हार्मोन है, ग्लूकागन देख लें ये भी प्रोटीन का हार्मोन है। ये जितने भी प्रोटीन के हार्मोन है सबका फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तीसरी बात देखिए, नीट ने इस साल पूछा, इसका फंक्शन देखिए, नीट यूजी 2019 इस साल का क्वेश्चन देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए, एनसीईआरटी का फंक्शन देखिए, एनसीईआरटी ने भी इस बात को लिखा है। क्या लिखा उसने, एनसीईआरटी ने मीजल्स बॉडीज के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, निसल्स बॉडीज या निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये देखिए, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, सीखना है आपको। देखो बेटा, ये जब आप सेल बनाते हैं नर्व सेल तो कुछ ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे नर्व सेल बनाती है। अगर आपको पता होगा तो ये एक, इसे हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग एग्जॉन कहते हैं, ये ऐसे एग्जॉन चलता है, फिर ऐसे यहाँ पर ये देखिए इसे स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग सोमा कहते हैं, ये जो बीच में है यहाँ पर न्यूक्लियस है, और यहाँ पर देखिए ऐसे फोल्डिंग्स पड़ी हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इन फोल्डिंग्स के ऊपर ये देखिए नर्व सेल में, इन फोल्डिंग्स के ऊपर राइबोसोम पड़े हुए हैं, इसी स्ट्रक्चर को निजल्स बॉडीज कहा जाता है। तो अगर आपको निजल बॉडीज का एक्सप्लेनेशन करना है तो कैसे करेंगे, ये लिखिए कि सर देखिए नर्व सेल में, ऐसे लिखना शुरू करिए कि जो ये नर्व सेल है इस नर्व सेल में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसमें 80 राइबोसोम है, रफ में राइबोसोम आ ही गया, इसे हम लोग निजल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, निजल्स बॉडीज कहते हैं, और ये निजल्स बॉडीज बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ये आपको याद करना है। तो पहला फंक्शन हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं, एक तीसरा फंक्शन हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। एक चौथा फंक्शन देखिए, माइक्रोसोम्स का कॉन्सेप्ट आता है, आपको पढ़ना है, ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पूछा जाएगा माइक्रोसोम्स क्या है। देखिए ये लैब वर्क है, लैब में ऐसे एक जो है ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पे हम लोग ऐसे यहाँ पर प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं, और इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाल देते हैं, इसमें रफ और राइबोसोम्स डाल देते हैं, और इन्हीं के फ्रेगमेंट्स को, मतलब आप कह सकते हैं ये फ्रेगमेंट्स ऑफ, इन्हीं के फ्रेगमेंट्स को फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिखना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स को हम लोग माइक्रोसोम्स कहते हैं, ये काम हम लोग लेबोरेटरी में देखते हैं, आपको ये लैब में देखने को मिल जाएगा, ये नेचुरली नहीं दिखाई पड़ता है। तो पहला फंक्शन हो गया प्रोटीन बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, निसल्स बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका, माइक्रोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह की एक ट्यूब होती है, इसी ट्यूब में जब हम राइबोसोम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डालते हैं तो उसके फ्रेगमेंट्स को हम लोग माइक्रोसोम्स कहते हैं। एक चीज और आप देख लें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका फॉर्मेशन होता है, रफ से स्मूथ का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन में भी मदद करती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन देखें, जब आप सेल देखते हैं ऐसे सेल बनाते हैं, यहाँ पर आप न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर आप यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं सर ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले होती है, ये देखिए पहले रफ होती है फिर स्मूथ का फॉर्मेशन होता है, ये आपको मैंने 10 बार पढ़ाया है। तो स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं, तो स्टेरॉइड फॉर्मेशन को हम लोग स्टेरॉइडोजेनेसिस भी कह सकते हैं, पहले बात ये देखें क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएगा कि स्टेरॉइडोजेनेसिस कौन करता है। तो स्टेरॉइड सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया टेस्टिस जो है, टेस्टिस से ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, बोलिए हाँ, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ये देखिए ओवरी से देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, इसको भी स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं। फिर तीसरा फंक्शन देखिए, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया,
इसके बाद अगला देखिए, अगर एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स को देखा जाए, एड्रिनल ग्लैंड अभी पढ़ेंगे आप, एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स को देखा जाए तो इससे जो है दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एल्डोस्ट्रॉन, एल्डोस्ट्रॉन, और दूसरा निकलता है कॉर्टिसोल। ये जो हार्मोन्स हैं जो स्ट्राइडल हैं, इनका फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। दूसरा फंक्शन देखिए, दूसरा फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करती है। बस आप इतने में आपका काम चल जाएगा। तीसरी बात आप देखिए, तीसरी बात जो है आपको ये याद करना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आपको आना चाहिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीखिए, इस बात को, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सीखिए। जब हम लोग मसल सेल बनाते हैं, ये देखिए ये मसल सेल है, मसल सेल है, मसल सेल हमारी बॉडी में तीन तरह की है, मसल सेल तो तीन तरह की है, मसल्स तीन तरह की है, लेकिन ये इसकी जो बात हो रही है, ये पहली बात तो जान लीजिए, ए टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ए टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर आप कभी मसल सेल्स देखते हैं तो इन्हीं मसल सेल्स में ये खास तरह के स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये देखिए ये, और इनका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड की सिंथेसिस है, लेकिन यहां पर ये कैल्शियम का स्टोरेज कर रही है, किस सेल में, मसल सेल, मसल सेल्स में ये माइटोकांड्रिया हैं, तमाम चीजें हैं, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो ये टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसका फंक्शन है कैल्शियम के स्टोरेज में, कैल्शियम को स्टोर करती है, ये ध्यान रखना है आपको। किस किस मसल में, इसका भी ध्यान रखना है, केवल दो मसल्स में पाई जाती है ये, एक कार्डियक मसल में पाई जाती है, दूसरी वॉलंटरी मसल में पाई जाती है, दो ही मसल में पाई जाती है। मतलब ध्यान रखना है कि स्मूथ मसल में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसका पूरा ध्यान रखना है। एक बात और लास्ट लाइन लिख दें, शायद आपको फट से समझ में आ जाएगा, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड क्या बेटा, रिलैक्सेशन। तो मतलब आपको सीधे सीधे बात समझना है कि मसल सेल्स में ये कैल्शियम का स्टोरेज कर रही है, जबकि जनरल फंक्शन क्या है इसका, स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करना। और फंक्शन देखिए इसके, अगर आप और देखें तो ये ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करती है, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म कहाँ करती है ये भी देख लीजिए, ये काम लीवर सेल्स में करती है। क्या क्या करती है, दो टर्म है आपको सीखना, एक है ग्लाइकोजेनेसिस करती है, ग्लाइकोजेनेसिस माने हुआ, सीधा ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, सीधी बात नो बकवास। तो एक्सेस ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है तो इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन इसी ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है तो इसे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इन दोनों काम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होती है, रट लीजिए, गलती मत करिएगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, इसका एक बड़ा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, ये देखिए डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हुआ, सीधा लिखिए बेटा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर कोई जहरीली चीज है तो उसको बॉडी से निकाल के बाहर कर देती है। एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ये बार्बिट्यूरेट्स एक खास तरह की ड्रग्स हैं, बार्बिट्यूरेट्स एक खास तरह की ड्रग्स है, बार्बिट्यूरेट्स इज रिमूव्ड बाई एसईआर ऑफ लीवर सेल। ये देखिए,
इंपॉर्टेंट है, आप अगर ध्यान से देखें तो सबके सब इम्पोर्टेंट है। सबसे खास इम्पोर्टेंट ये है, ये एनसीईआरटी में है, आपको सीखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये भी बात लिखता हूँ, एनसीईआरटी में है। कहाँ मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है, मसल्स में मिलेगा ये स्ट्रक्चर, कहाँ मिलेगा? मसल्स में मिलेगा। इम्पोर्टेंट है ये, जब कोई चीज इम्पोर्टेंट हो तो वहां व्यक्ति को सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे आपकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, आप क्लास इलेवंथ में अगर आप थोड़े से भी कमजोर पड़ गए, आपकी पूरी जिंदगी कमजोर रह जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्लास इलेवंथ बैकबोन होती है पूरी लाइफ की। बहुत ही सिंसियर होके, बहुत ही समझ के नॉलेज को पढ़ना है। फिर जब आप पढ़ने के लिए तैयार है तक और देखिए ना भाई, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये देख बेटा, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दो चीजें बन सकती हैं, कंडीशनल है। एक तो बन सकता है गॉल्गी बॉडी और दूसरा बन सकता है क्या बेटा, लाइसोसोम्स। ध्यान देना जो है दो खास इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सीख के रखनी है आपको। एक आपको याद करना है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा याद करना है आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गलती मत करिएगा, खास करके दो शेल में है, मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, कार्डियक और वॉल्यूटरी मसल्स में। इसका पूरा ध्यान रखना है आपको।